असेंबली के अंदर गुना मुरतब कर लिया, गुना कर दिया वोट डाल के, तब भी आप सोए हुए हैं, तब भी आप नहीं जाते। 26 लोगों ने वोट दे के हमजा को इलेक्ट कर लिया, तब भी आपकी आंख ना खुली। हम आज ये डिमांड करते हैं, ये इलेक्शन कमीशन इस तरह नहीं चल सकता। सुल्तान राजा साहब, आपके अंदर कोई अखलाकियात है? कोई आप समझते हैं कोई आपके अंदर अखलाकियात का कोई एक नुक्ता रह गया हुआ है? तो आपको फेल फॉर इलेक्शन कमीशन से रिजाइन करना चाहिए। जब इलेक्शन कमिश्नर साहब इलेक्शन कमीशन की साख उस वक्त बहाल रहती है जब पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों का उनके ऊपर ट्रस्ट हो, क्योंकि आपने इलेक्शन कराना है। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो जीबी, कश्मीर, केपी, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब कि अगर कोई वाहिद सबसे बड़ी जमात मौजूद है तो वो तहरीक इंसाफ है, और वही उसी जमात को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं, तो आप किस तरह का फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे? आप तो एक प्रोहिबिटेड फंडिंग का 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि सारी जमातों की जो फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग है उसका फैसला एक साथ सुनाया जाएगा, उनकी स्क्रूटनी एक साथ होगी। इधर देखा जाता है कि सिर्फ तरीके इंसाफ को जिसने अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड पेश किया, जो स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश हुई, जिसने तमाम तारीखें भुगती, सिर्फ उसको अपना निशाना बनाया जा रहा है। हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली कॉल जो हमारे चेयरमैन तरीके इंसाफ की होगी, उससे पहले टाइम है आप रिजाइन करें। इलेक्शन कमीशन में कोई और इलेक्शन कमिश्नर आए जो अगले 3 महीनों के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई किधर है? ये रही है माइक पकड़ने की दुनिया का। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आने वाले तमाम मेहमानों का। आपने खान के कॉल पर एक भरपूर एहतजाज किया। पिंडे सावर, आपको बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह हमारा ये एहतजाज रोजे के दिन रंग लाएगा और हम जो मुतालबात रखे वो अल्लाह ताला पूरा करवाएगा।